हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, जो हमारे यूपी पीसीएस की जो हमारी सीरीज चली हुई थी, आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि बार 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 बारंबारता से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और जो भी होगा, कंसेप्ट क्लियर करने की बात है तो वो हम यहीं पे कोशिश करेंगे। और आप लोग, सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोग जो कि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो इसका फ़ायदा ले सकें। और दोस्तों, आप लोग ध्यान रखें कि हमारा सिर्फ मकसद यही है कि आप लोग जल्द से जल्द कामयाब हों। प्रेपराइज की पूरी टीम का सिर्फ एक ही मकसद है, आप लोगों को सफलता दिलाना। तो दोस्तों, हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं और जो भी कंसेप्ट क्लियर करने की बात होगी मैं कोशिश करूंगा यहीं पे करवाऊं। और ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ यूपी पीसीएस वालों के लिए है, ये जो भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे पॉलिटी सेक्शन इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को शेयर करें, सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति, मान लो आप राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, राज्यसभा यानी हम बात कर रहे हैं काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, तो राज्यसभा के चुनाव के लिए कितनी आयु कम नहीं होनी चाहिए, तो आप लोग ध्यान रखें 30 वर्ष से आयु कम नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बताइए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, क्योंकि क्या होता है कि राज्यसभा के प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 1/3 और 2 वर्ष में हो जाते हैं, तो इस तरह से जब हम आंकड़ा तैयार करते हैं तो वो 6 वर्ष का, एक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी होती है। गणपूर्ति यानी से हम कहते हैं कोरम संख्या। तो कोरम, जिस तरह से पंचायत में कोरम होते हैं उसी तरह से, मतलब कोई भी बैठक तभी सफल मानी जाती है जब तक उसके कुल सदस्य संख्या का 1/10 कम से कम वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए। तो जो कोरम संख्या है वो है 1/10। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। देखिए, 2 हमारे सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ही और शी इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो वो जो होते हैं वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से, यानी जो बात कर रहे हैं यहाँ पे एंग्लो इंडियन, राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें कितने को करते हैं, 2। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में इस वर्ग का कोई पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति इस वर्ग से 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय 2 सदस्यों को मनोनीत करने की, देखिए क्वेश्चन वही है, यहाँ पे पूछा है कितने को करते हैं, यहाँ पे पूछा है कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, क्या होगा, भारत के प्रत्येक नागरिक की ड्यूटी होगी कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार उपरोक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है। तो ये जो है, ये हमारा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, ये राज्य के निर्देशक तत्वों से है, अनुच्छेद 51 क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों की जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, क्या होनी चाहिए। राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, जी अवश्य। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, बिल्कुल। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और परीक्षण, बिल्कुल। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ये सभी के सभी भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संसद में शामिल है, देखिए भारतीय संसद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है। और इस संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये संसद के 3 अंग हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत से संबंधित है, इसको एक शब्द हम और लिखते हैं, इसे कहते हैं अस्पृश्यता
उन्मूलन। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17, ये छुआछूत से संबंधित है। भारत के नागरिकों को अस्पृश्यता उन्मूलन का अधिकार दिया गया है, उनसे किसी भी तरह की जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर छुआछूत या अस्पृश्यता नहीं की जा सकती, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी बात हो रही है राइट टू फ्रीडम। जो स्वतंत्रता का अधिकार है इस संविधान के किस अनुच्छेद में है, देखिए 14 से 18 की हम बात करें तो ये देता है हमें समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वालिटी। 19 से 22 ये स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 23 से 24 की हम बात करें तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, भारतीय संविधान के मैंने बता दिया यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है, कि ये मौलिक अधिकार है, ये विधिक अधिकार है, ये दोनों है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट है, विधिक है यानी लीगल राइट है, या ये दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखें। संपत्ति का अधिकार, जब संविधान का निर्माण हुआ तो संपत्ति का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों का हिस्सा था। उस समय कुल मूल अधिकार जो थे उनकी संख्या थी 7, लेकिन बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, 44वां संविधान संशोधन किया गया, और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके उसे विधिक अधिकार यानी कि लीगल राइट बना दिया गया, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां होती थी, तो इसे मौलिक अधिकार से एक लीगली राइट दे दिया गया, इस बात का ध्यान रखें, तो ये एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत, ये दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, आप लोग ध्यान रखें, इंडिया और भारत दोनों का, इसमें घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, तो भारत जो है ये एक, इस तरह से ऑप्शन आते हैं कि ये संघीय राज्य है या संघ है, तो आप लोग ध्यान रखें ये जो है ये राज्यों का एक संघ है। ठीक है, दो शब्द होते हैं, एक इसे हम कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, देखिए दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है यूनियन, एक शब्द होता है फेडरल। अमेरिका जो है ये फेडरल है, भारत जो है यूनियन है, बल्कि दोनों का अर्थ होता है संघ। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि संघ में जो राज्य जुड़े होते हैं वो कभी भी उस भारत जैसे संघ से अलग नहीं हो सकते, तो भारत एक ऐसा संघ है उसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते, जबकि अमेरिका जो है वो भी एक संघ है, वो फेडरल है, उसमें एक विशेष समझौते के तहत उससे जुड़े होते हैं राज्य, और राज्य कभी भी उससे अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। तो एक जो में घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत जो है ये राज्यों का एक संघ है। भारत संघ में कितने राज्य हैं बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप जरूर बताइए, क्योंकि इन ऑप्शन में कोई भी अब राइट नहीं है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि भारत संघ में कितने राज्य हैं, क्योंकि आपने हाल ही में देखा कि 2 यूटीज़ का गठन हुआ है जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं, तो कुल आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी बात कर रहा हूँ यूटीज़ कितनी है। नेक्स्ट है, अभी बता दें हालांकि अंत में जरूर बता दूंगा, प्रथम भाषाई राज्य। देखिए जब राज्यों का एकीकरण किया जाने लगा, यानी जब हमें कहा, हमने पढ़ा है कि भारत में एकीकरण के अग्रदूत कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने बहुत भारत में भारत को एक करने के लिए, आप जानते हैं कि आज़ादी से पहले भारत अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, यहाँ पर कुछ रियासतें थी, कुछ देसी राजा रजवाड़े थे, तो पहले प्रयास किया गया कि भाषाई आधार पर, जो जहाँ पे भाषाएं बिल्कुल मिलती जुलती हैं उस आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, तो सबसे पहले भाषाई आधार पर जिस राज्य का गठन किया गया था वो किया गया था आंध्र प्रदेश। ये कब किया गया था, 1953। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है, जब संसद के दो सत्र हों, ठीक है, दो बैठकें होती हैं, तो उसमें अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है, तो आप लोग ध्यान रखें उसमें 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं हो सकता, 6 महीने। नेक्स्ट देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, संघ की जो कार्यपालिका होती है, संघ की कार्यपालिका में कौन लोग आते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, तो संघ की जो कार्यपालिका होती है
वो राष्ट्रपति में निहित होती है, इस बात का ध्यान रखें। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? हालांकि हम बात करें तो राजनीतिक मुखिया तो होते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एक मोहरे के रूप में काम करते हैं, आप लोग जानते हैं, लेकिन ये सभी काम लगभग लगभग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। क्योंकि मंत्रिपरिषद कौन है? भारत एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या होता है कि हम भारत में आप लोग जानते हैं कि प्रतिनिधात्मक शासन प्रणाली है, यानी जनता स्वयं, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जनता स्वयं शासन नहीं करती बल्कि जनता अपने कुछ प्रतिनिधियों को चुनती है और वो जनता की तरफ से फैसले लेते हैं। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकारें ही अंतिम रूप से फैसला लेती हैं, तभी तो हम उसे लोकतंत्र कह सकते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र यानी प्रधानमंत्री ही या मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है, लेकिन संविधान में जो लिखा हुआ है कि सर्वोच्च कमांडर सशस्त्र सेनाओं के कौन होते हैं, वो राष्ट्रपति होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संविधान द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो आप लोग ध्यान रखें, जो मौलिक अधिकार थे ये मूल संविधान का हिस्सा थे, हालांकि मूल कर्तव्य संविधान का हिस्सा नहीं थे, उन्हें सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? देखिए, कुछ स्थितियों में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका निलंबन किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, तो देखिए संसद के पास ये अधिकार है कि जब वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति हो तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकती है, तो ध्यान रखें संसद। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल? तो आप लोग ध्यान रखें, जो हमारी न्यायपालिका है यानी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, वो हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायपालिका, उसकी न्यायपालिका के पास अधिकार है, हम न्यायपालिका के पास जा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी पूर्ण होनी चाहिए? तो अगर भारत का राष्ट्रपति किसी को बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है बताइए? संसदीय समिति को, लोकसभा समिति, यानी लोकसभा की समितियां होती हैं जैसे लोकलेखा समिति, प्राकलन समिति, निर्वाचन आयोग या सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय को ही उसे निर्देशित किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? देखिए, अनुच्छेद 143, आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति किसी विधिक मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं, उससे सलाह ले सकते हैं, हालांकि राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि उस सलाह को जरूर ही माने, हाँ वो उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधिक यानी लीगल मामले में, कानूनी मामले में सलाह ले सकते हैं, लेकिन वो बाध्य नहीं है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? या इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, या भारत के पहले राज्यसभा के सभापति कौन थे? Who was the chairperson of the Council of the States? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और इनके जन्मदिवस पर हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, शिक्षक दिवस किस दिन को? 5 सितंबर को। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं?
लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य। बात कर रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य। इसमें इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। यानी हम बात करें 545 इस समय लोकसभा से और 245 ये कुल सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको डिटेल में जानना हो तो आप हमारी प्रेपराइज की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पे अलग अलग वीडियो बनी है, उन्हें जरूर देखें। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 282, 286। देखिए, नीति आयोग की हम बात करें तो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया है, और योजना आयोग और नीति आयोग दोनों ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, यानी कि गैर संवैधानिक निकाय हैं। तो नीति आयोग जो है ये कहीं भी उल्लेखित नहीं है। और नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष क्वेश्चन पूछा जाए तो वो थे अरविंद पनगड़िया। तो नीति आयोग का कहीं भी संविधान में उल्लिखित नहीं है, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में है? देखिए, विधान मंडल अनुच्छेद 168 में विधान मंडल के बारे में बताया गया है कि विधान मंडल, अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के बारे में, अनुच्छेद 170 में विधानसभा के बारे में बताया गया है। यहाँ पे पूछा है कि विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति किस तरह अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 169 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किया जाता है, बताइए? देखिए, आरक्षण है, हमारे संविधान निर्माताओं की ये सोच रही है कि अगर ओपन कहीं भी, अगर खुली, हालांकि सबके लिए समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन कहीं भी अगर ओपन सीट से या कहीं भी ऐसा हो जाता है कि खुला दौर हो, तो उसमें कहीं ना कहीं जो लोग सदियों से छुआछूत की पीड़ा झेल रहे हैं या सदियों से जिनके अधिकारों का, मूलभूत अधिकारों का उनके हनन हुआ है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं हमें एक अलग से व्यवस्था करने की ज़रूरत है। और इस हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में, पदोन्नति के क्षेत्र में या कई निर्वाचन क्षेत्रों में उनके लिए अधिकार दिया गया है। तो ये जो है किस अनुच्छेद में? 335 में, ठीक है, 335 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति। हालांकि आप जानते हैं पंचायतों में भी अब आरक्षण है, शिक्षा के क्षेत्र में है, पदोन्नति में भी आरक्षण है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है, दो शब्द होते हैं, एक होती है असमानता और एक असमता, इनिक्विटी और इनिक्वालिटी। देखिए, अगर हमें समता लानी हो समाज में, तो सदियों से जो असमानता फैली हुई है उसे भी पहले समानता के पक्ष पर लाना होगा। तो समानता, इक्वलिटी लाना बहुत ज़रूरी होती है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। हम एक विशेष, एक बहुत बड़े तबके को पीछे छोड़ करके कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर देश की तरक्की चाहिए है, देश की तरक्की बहुत ज़रूरी है, तो एक तबके को हम कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकते, सभी को साथ लेकर के चलना है, तभी देश आगे बढ़ता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इसके लिए कुछ प्रावधान किए। एक बहुत बड़े दलित विचारक और भारतीय संविधान के जनक या जननी जिसे हम कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो हमेशा एक दलित विचारक थे, दलित नेता थे, तो उनके भी कुछ बहुत बड़ा योगदान उनका संविधान के निर्माण में रहा है। तो 335 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में आई थिंक 84 SC के लिए और 47 ST के लिए सीटें रिजर्व हैं। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण, बात हो रही है फंडामेंटल ड्यूटीज का, संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो आप लोग ध्यान रखें, भाग 4 क में। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, बताइए कौन से में है? तो आप लोग ध्यान रखें, भाग 20 में, आर्टिकल 368। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? देखिए, ये अनुच्छेद
अपने याद रखने से 395। अनुच्छेद अभी तक 395 ही हैं, लेकिन अनुच्छेदों में कुछ सबसेक्शन जुड़ी जाती हैं जिस कारण से अनुच्छेदों की संख्या हमेशा बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन कोई भी सही नहीं है वैसे, लेकिन आपने सिर्फ ये याद रखना है। और अगर पूरी तरह पूछा जाए तो इसमें तो मेरे हिसाब से 460 अनुच्छेद हो चुके हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में कुछ अनुसूचियाँ जोड़ी गई जैसे 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ठीक है, हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, फिर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि दल बदल से संबंधित है, 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका नगर निगम से संबंधित है। भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन, जब 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया तो 23 मार्च कैबिनेट मिशन भारत आया, इसके 3 सदस्य थे, सर पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये तीनों थे। इन तीनों जो आए थे, इसको हम कैबिनेट मिशन योजना के तहत इन्होंने संविधान सभा के गठन हेतु प्रस्ताव रखा था और उन्हीं के सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ, ये पूछ रहे हैं, पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ, ये नहीं पूछ रहे कि लागू कब हुआ। पूर्ण रूप से जो तैयार हुआ था भारत का संविधान, ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति कहिए आप लोग, ड्राफ्टिंग कमेटी कहिए, ड्राफ्टिंग कमेटी, या इसे पांडुलेखन, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। तो ये इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आदि शब्द जो जोड़े गए, ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? वो है संविधान। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई, यानी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहां से लिया गया? एरिकी, यहाँ पे अमेरिकी होगा शायद, अमेरिकी संविधान, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान, स्विस संविधान। तो ये आप लोग ध्यान रखें, संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ब्रिटेन का लंबे समय तक भारत में राज किया ब्रिटेन ने। तो संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक, ये बात कर रहे हैं, मनी बिल, मनी बिल, ठीक है, मनी बिल के बारे में कहां पे उल्लेख है? तो अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसके संविधान से प्रेरित है? कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से। तो नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? भारत के मुख्य न्यायाधीश की बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सेना प्रमुख की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति की जाती है, एयर स्टाफ का प्रमुख यानी बात हो रही है एयर मार्शल की, लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, ये लोकसभा के सदस्य ही इनको निर्वाचित करते हैं। संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक कौन होता है? सबसे हाईएस्ट सिविल सेवक यानी सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी जो होता है वो कौन होता है पूरे भारत में? वो होता है कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी। बताइए इस समय कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? तो वो है राजीव गौबा। निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा का केवल एक सदस्य चुनता है? कौन सा राज्य है लोकसभा का केवल, तो वह है सिक्किम। सबसे ज्यादा चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश में 80। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 36 टू 51 में
नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। इसी तरह से आज ये 50 क्वेश्चन की सीरीज हमारी कंप्लीट होती है। हम इसी तरह से आपके लिए रोजाना वीडियोज लाते रहेंगे, आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्रेपराइज जरूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से आप अपना प्यार और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।